नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंड की रीस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट्स लेके आए हैं, जो यूपी बोर्ड या हो या बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। बच्चों, NCERT से संबंधित है। तो हम नागरिक शास्त्र यानी अध्याय 5 यानी चैप्टर नंबर 5 के विषय में हम लोग बात करेंगे, जिस पार्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बच्चों, अध्याय 5, इसके इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ बहुविकल्पी और अति लघु त्रि प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और किसी किसी परीक्षाओं ये जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फिर देर ना करते हम लोग बातें करेंगे। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं उसमें थोड़े देश होते हैं, यानी 7-8 देश, 9 देश, 10 देश, 11 देश होते हैं जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन होते हैं। लेकिन बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, नाम से लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इसमें बहुत से ज्यादा देश होते हैं, 100 के ऊपर 100 होते हैं, यानी बहुत सारे देश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाया जाता है, हम लोग जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मान लीजिए विश्व में कोई समस्याएं होती हैं, मान लीजिए एक देश दूसरे देश से झगड़ा चल रहा है, तो किसी एक देश के बस की बात तो होती नहीं है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस ही चल रहा है या आतंकवाद से संबंधित कोई देश जूझ रहा है, तो इन सब में कोई एक देश की बस की बात तो होती नहीं, चाहे कितना बड़ा विकसित क्यों ना हो। तो इसके लिए बच्चों जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ही आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत सारे देश रहते हैं। और हम ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में, और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1914 से लेकर 18 तक हुआ था, उस समय फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वगैरह हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, ये जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, यानी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, लेकिन ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, और उसके बाद में ही जैसे ही गठन हुआ लीग ऑफ नेशन का, द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ गया, ज्यादा सफल नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें 193 देश शामिल हैं। तो आइए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन के देखेंगे। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ ये जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और हम लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं फ्रेंड्स, यानी जो है सुरक्षा परिषद में, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही भाग है, पूछ रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में फ्रेंड्स जो है कुल 15 सदस्य हैं। कितने, 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 15 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है, ये जो है अमेरिका का ही एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो है स्थित है, यानी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी एजेंसी है यानी एक शाखा है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये जो है हेग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हेग में स्थित है। हेग कहाँ है, ये नीदरलैंड में बच्चों, नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है हेग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये जो है हेग में स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय माना जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दिया है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जा सकता है, सार्क को, कि आसियान को, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को, कि यूरोपीय संघ को। तो ये सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ, ये सब जो है क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ
के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। बड़ी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो बच्चों इसमें जो है 193 193 सदस्य देशों की संख्या है। 193वां जो देश है वो जो है दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है 193वां देश, तो इसमें 193 सदस्य देश शामिल है। फिर से अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। देखो फिर से आगे क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो पांच पांच जो है अस्थायी सदस्य हैं। आगे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो वर्तमान में जो महासचिव है फ्रेंड्स वो जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है एंटोनियो 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 गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अगले उत्तरी प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग बताइए, यानी प्रधान अंग कितने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रधान अंग है फ्रेंड्स वे कितने हैं। तो ये अगले उत्तरी प्रश्न हो सकता है। तो छह प्रधान अंग हैं। कौन कौन? पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको कहते हैं, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, और चौथा है न्यास परिषद, और लास्ट है पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और लास्ट है सचिवालय। यानी जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग है। कितने अंग प्रधान है फ्रेंड्स जो है छा पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग कितने हैं। तो आप बताओगे छह प्रधान अंग हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो पांच अस्थायी सदस्य हैं। सदस्य देश हैं अमेरिका रूस ब्रिटेन फ्रांस चीन। अमेरिका रूस ब्रिटेन फ्रांस चीन। देखो एक ट्रिक बना लेंगे, ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच अस्थायी सदस्य देश कौन है। तो एक ट्रिक है, चीर फार अपने बना लो, आप लोग अपने से बना सकते हो। चीर पार करो बिना औजार के। नेक्स्ट वीडियो में भी हमने इस चीज को बताया, चीर फार करो करो बिना औजार के औजार के। देखो चीन से बना लो, चीर से बना लो चीन, फार से बना लो फ्रांस, आ से बना लो अमेरिका। देखो ऐसे कुछ ट्रिक बनाएंगे तो याद हो जाएगा। का से बी से बना लो ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन हो जाएगा फ्रेंड्स, और रास हो जाएगा, रास बना लो रूस। यानी ये जो पांच अस्थाई सदस्य देश हैं अमेरिका रूस ब्रिटेन फ्रांस चीन, चीन फार करो बिना औजार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला वित्तीय प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हम लोग जिसको WHO कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य विश्व के सभी देशों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है बच्चों। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य विश्व के सभी देशों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। दो अंक आपको मिल जाएंगे। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कैसे याद करेंगे? 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7, और स्वास्थ्य हम लोग खराब रहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ रहते हैं? अस्पताल में जाते हैं। अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हम लोग अस्पताल में जाते हैं। तो आ से अस्पताल, आ से अप्रैल, यानी स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद क्या क्या है फ्रेंड्स, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद की जो है क्या कार्य है? तो सुरक्षा परिषद के जो कार्य निम्नलिखित कार्य है, सुरक्षा परिषद के जो है कार्य निम्नलिखित है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं हम लोग सुरक्षा परिषद के जो है क्या कार्य है। तो आइए बच्चों देखते हैं सुरक्षा परिषद के पहला जो कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, यानी विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जांच करना और उसके निराकरण के शांतिपूर्ण समाधान के उपाय खोजना, ये दूसरा
जो है कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तीसरा कार्य है बच्चों कि युद्ध बंदी के लिए आर्थिक सहायता को रोकना और सैन्य शक्ति का प्रयोग करना, और चौथा है कि महासभा के नए सदस्यों के संबंध में सुझाव देना। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है फ्रेंड्स क्या है, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य, सुरक्षा परिषद की जो है ये प्रमुख कार्य है। बच्चों ये था आज का जो है लघु उत्तरी एवं सॉरी अतल उत्तरी एवं बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।